अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुलेमान राजा और आप लोग देख रहे हैं सिटी 52 न्यूज़ HD। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि ईद उल कुर्बान के दिन मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए स्वीडन के दारुल हुकूमत में हुकूमत की मौजूदगी में कुरान पाक को नजर आतिश किया गया और मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क गिर इस हवाले से एहतजाज कर रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट चाइना चौक पर, जहाँ पर TLP की जानिब से इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तहफ्फुज़ कुरान के हवाले से एक रिकॉर्ड जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। मेरा कैमरामैन यहाँ पर आपको दिखाते चले कि रोड की दोनों जानिब मुसलमान पाकिस्तान इस्लाम के परवरदिगार कुरान के मुहाफिज बैठे हुए हैं और तिलावत कुरान पाक कर बतौर मुहाफिज कुरान जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड यहाँ पर करवा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ ज़िले नाज़म और ज़िले अमीर तहरीक लबिक पाकिस्तान सियालकोट जो है मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं इस एहतजाज के हवाले से और कुरान पाक को नज़र आतिश करने के जो है वाक्य के हवाले से। जैसा कि पूरी उम्मत मुसलमान को ये मालूम है कि स्वीडन में कुरान पाक जो है उसकी बेहरमती के लिए है एक गैर मुस्लिम है, तो पूरी उम्मत को चाहिए कि वो सरापा एहतजाज ना बने बल्कि इसके मुकाबले के लिए उठकर खड़ी हो और कुफर जो हमारे इस्लाम के खिलाफ कभी वो नामूसे रिसालत पे हमला आवर होता है और कभी वो हुरमत कुरान पर हमला आवर होता है, तो इसके लिए उम्मत को मुतफिक होकर मुतहद होकर और अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए जो है उसका मुकाबला करना चाहिए। ये तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं आपके सामने, ये जो कुरान खानी हो रही है ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो हम एहतजाज का एहतजाज है, दूसरा हम कुरान से मोहब्बत कर रहे हैं। वो जो हमें बताते हैं कि मुसलमानों के दिलों से कुरान की मोहब्बत निकाल दी जाए ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके इस चुकी फेल से मुसलमानों के अंदर कुरान की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ी है। बिल्कुल, ज़िले अमीर अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज़िले नाज़म तहरीक लबिक पाकिस्तान, उनसे जानते हैं कि वो इस वाक़े के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। उम्मीदें जागती हैं, दिल है जिनका घर सलामत है, आका तेरी तहरीक के सदके हमारे सर सलामत है, जिस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके ये पूरी कायनात मार्ज़े वजूद में आई है। लोगों, तहरीक लबिक पाकिस्तान मैदान अमल में है और यही मैसेज दे रही है कि तुम्हारी जवानियाँ, तुम्हारी जिंदगियाँ और तुम्हारी आसाइशें, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी ये रंगीनियाँ सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कुछ भी ना होता, इसलिए हम कुरान के हाफिज भी हैं और इंशाल्लाह हम कुरान के मुहाफिज भी हैं और हम कुरान की भी इज्जत करना जानते हैं और साहबे कुरान की भी इज्जत करना जानते हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के अंदर मेन शहरों के अंदर ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है कि लोगों, अगर तुमने कुरान पाक की बेहुरमती की तो हम इंशाल्लाह अपनी गर्दने लिए सड़कों पे आ जाएंगे। और हमने देखो आवाम को डिस्टर्ब नहीं किया, एम्बुलेंस भी हम गुजार रहे हैं और ट्रैफिक भी अपने मामूल के, अगर कैमरामैन दिखा सके तो बड़े मामूल के मुताबिक अपनी ट्रैफिक भी जारी है, कोई इंतजार नहीं है, कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान पुरअमर जमात है, हमारे दिलों को मत दुखाओ और हमारी जानों को नजराने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए हैं। हम कुरान के ऊपर भी पहरा देंगे और साहबे कुरान के भी ऊपर पहरा देंगे। लबैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त हमारे साथ 35 के MPA के उम्मीदवार जो है मलिक अली कैवान साहब मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनके ख्याल। आज हम अपने अमीर मोहतरम हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी
पैगाम है पूरी दुनिया को कि अमन, हम अमन चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कोई अमन नहीं है जिन्होंने कुरान को जलाया। हमारे अमीर मोहतरम का ये मुतालबा है, उन्होंने फरमाया है कि दी हम इक्तदार में हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तक पर हुआ तो फिर ऐसे वाकया देखने को नहीं मिले इंशाअल्लाह। इस्लामी ममालक हैं, उनके जो हुक्मरान हैं उनके इनके साथ ज़ाती मुबादला है। जब तक कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम, जब तक कोई हजरत उमर फारूक जैसा सिपा सालार हुक्मरान नहीं बनेगा, तब तक ये वाक़यात होते रहेंगे। और हमें ये चाहिए कि हम इन ममालिक में ये जो वाक़यात होते हैं उनकी मजम्मत नहीं मरम्मत करें। हम कुरान को छोड़ कर और सुन्नत रसूल को छोड़ कर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, पीपी 45 के जो एमपी के उम्मीदवार हैं अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हल्का पीपी 35 के उम्मीदवार महर सजावल साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस वाक़े के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आलम शेर के लिए पैगाम देना चाहता हूँ। है कोले मोहम्मद कोले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। मैं स्वीडन की गुंडागर्दी पर बेशुमार लानते भेजता हूँ और स्वीडन की आवाम पर भी बेशुमार लानते भेजता हूँ, और उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मोहम्मद अरबी के गुलाम अभी ज़िंदा है, उम्मत मुसलमान अभी ज़िंदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुहाफ़िज़ कुरान भी ज़िंदा है। हम कुरान की हिफाजत करना भी जानते हैं और कुरान की तिलावत करना भी जानते हैं। आज हमारे अमीर मोहतरम ने ये साबित कर दिया कि आप ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के और सच्चे आशिक हैं, और पाकिस्तान की हर मेन चहराओं पर, हर शहर में, हर गली में, हर कूचे में कायदे मोहतरम कायदे मिलत इस्लामिया हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की एक काल पर कुरान हाजिर हो रही है। और इंशाल्लाह ताला मैं अपने मुसलमानों से यही गुजारिश करूँगा कि स्वीडन से बायकॉट किया जाए, स्वीडन के साथ जो सफारती ताल्लुक हैं उनको ख़त्म किया जाए। हुकूमत से आप ये मुतालबा करें और जहाँ तक हो सके हमारी आवाज़ को पहुँचाया जाए। हम हुकूमत वक़्त से ये मुतालबा करते हैं, अगर तुमसे ये हुकूमत नहीं संभाली जाती, अगर तुमसे ये गुस्ताह नहीं संभाले जाते, तो रब्बे काबा की कसम आए 24 घंटे के लिए ये हुकूमत हमारे मीर मोहतरम के हाथ दें। अगर स्वीडन क्या पूरे हाल में कुफर को सीधा ना कर दिया तो हम सियासत क्या, हम मुल्क छोड़ देंगे। मोहम्मद अरबी के गुलाम पूरी दुनिया में मौजूद हैं और वो गुस्ताहों का सर उड़ाकर दम लेंगे। स्वीडन ने उसके लिए हम पूर्ण अमन की जांच करने के लिए रोडों पर आए हुए हैं, पर हमारा एक मैसेज है पूर्ण अमन हम उस वक्त तक रहेंगे जब तक हमें पूर्ण अमन नहीं दिया जाए। जो कुरान पाक नजर आदेश किए जाएंगे तो हम पूर्ण अमन ही रहेंगे किसी सूरत में भी। हमारी ये जवानी है, हमारा तन मन हर चीज़ कुरान पे कुर्बान है। ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर कुरान पाक नॉर्मल होगी लोग खामोश रहेंगे, हम कभी खामोश नहीं रहेंगे। इन शाह तला हर मैदान में नजर आएंगे हैं और हमारे अमर शीमा गाजी अलमदीन शीर जैसे लोग पैदा होते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हर सूरत में हम इनसे बदला लेंगे जो कुरान पाक की कोई मुद्दी है इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, इस एहतजाज में मेरी नज़र पड़ी कि एक नौजवान भाई अपने शिरक और बच्चे के साथ जो है शराय आम पर मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम भाईजान, आपका इसमें ग्रामीण? मेरा नाम मोहम्मद कामरान। तो आज शराय आम पर एहतजाज के दौरान शिरक और बच्चे को लेकर आ गए हैं, इतनी मतलब कुरान से मोहब्बत का इजहार? मैं आपको बताऊँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरूनी। जो हमें दहशतगर्द कहते थे, जो हमें इंतहा पसंद कहते थे, आज मैं उन दहशतगर्दों को, उन इंतहा पसंदों को कहना चाहता हूँ कि ये देखो, जिनको आप दहशतगर्द कहते थे, जिनको आप इंतहा पसंद कहते थे, लेकिन हम ना दहशतगर्द हैं ना इंतहा पसंद हैं, बल्कि वस्कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। हम जिक्रे खुदा करने वाले हैं, हम जिक्रे मुस्तफा करने वाले हैं, लेकिन मैं एक मिनट में उन गुस्ताहों को पूरी दुनिया के
गुस्ताहों को बतलाना चाहता हूँ कि है गुस्ताहो, तुम कहते हो कि हम दहशत गर्द हैं, बल्कि नहीं नहीं, हम दहशत गर्द नहीं। ये देखो, ये देखो, ये मेरा बेटा 11 माह का है। कसम खुदा की, अगर 11 दिन का होता तो मैं इस एहतजाज में शामिल होता। तुम लोग मशरिक में चले जाओ, मगरिब में चले जाओ, जनूब में चले जाओ, शमाल में चले जाओ, अब तुम लोगों को चुन चुन कर तब बैंक वाले जहन्नम वसूल करेंगे इंशाअल्लाह। राजदारे हतमे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई के जज्बात जो है, भाई की कुरान पाक से मोहब्बत और स्वीडन के इन कुरान को नजर आतिश करने वाले गद्दारों के खिलाफ भाई का गुस्सा जाहिर कर रहे थे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राणा अदनान साहब का उम्मीदवार NH36। उनसे जानते हैं कि वो इस वाकये के हवाले से और आज के अपने एहतजाज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी, लेकिन हमारा ये तमाम उन हरामियों को वाज़ेह पैगाम है कि गैरत मुस्लिम अभी ज़िंदा है और कायदे मोहतरम और तहरीक लबैक किसी मंशूर पर रवा दवा है। इंशाअल्लाह ताला अगर कायदे तहरीक लबैक की हुकूमत आई तो किस तरह का कोई भी अमल, इसका सिर्फ हम मजम्मत नहीं करेंगे, इन लोगों की मुरम्मत करेंगे। और अगर ये फ्रांस के टाइम ये वाज़ेह गवर्नमेंट की तरफ से तगड़ा बयान अगर जाता, मुरम्मती बयान जाता, तो मेरा नहीं ख्याल का दोबारा कोई ऐसी जरूरत करता। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिलसिला सैफिया के सियालकोट के अमीर, स्वीडन में होने वाले वाक्य के हवाले से इनसे इनकी राय जानते हैं, जहां पर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक को हुकूमत की सरपरस्ती में नजर आतिश किया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये वो कुरान, ये वो किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद अपने जिम्मे लिया हुआ है। तो ये जो गमाशते हैं, ये जो बदमाश लोग हैं, ये अपना उबाल निकालते हैं, लेकिन इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ ये असल में ये मुसलमानों के ईमान को चेक करते हैं। लेकिन ये मुसलमान इस मामले में कभी सुस्त नहीं हो सकता, ठीक है। ये फाका कश मुसलमान यूं ही नहीं मरता, रूह मोहम्मद इसके जिस्म से निकाल दो तो ये रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल ही सकती, और ये जो मर्जी कर ले, मुसलमानों के अंदर से ये मोहब्बत दीन का जज्बा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और इंशाअल्लाह एक ऐसा दिन आएगा कि उस गमाशते को कोई ना कोई इंशाअल्लाह कैफे किरदार तक जरूर पहुँचाएगा इंशाअल्लाह। और इसके अलावा जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, ये हमें इससे ये दर्स मिलता है कि हमारे अंदर जो सुस्ती है वो दूर होनी चाहिए और हमें कुरान और सुन्नत के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करना चाहिए। क्यों, जब तक हम कुरान और सुन्नत को लेकर चलते रहेंगे इंशाल्लाह हमें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। यही हमारे अंदर कोताहियां कमियां हैं जिसकी वजह से वो हमें चेक करते रहते हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये अल्लाह वालों की निगाहों की बरकत से और ये जो हमारे ऊपर रहमतों का साया है, इंशाअल्लाह ये सदा यही इसी तरह रहेगा। और इंशाअल्लाह कुरान की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती और ना सोने नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ख़त्म हो सकती है। हम हाफ़िज़े कुरान भी हैं और ये लोग हाफ़िज़े कुरान भी हैं, और अब हाफ़िज़े कुरान के साथ साथ हमको हाफ़िज़े कुरान भी बनना पड़ेगा और सही तनदही के साथ इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी ज़ाहिद चौहान साहब, स्वीडन में आने पेश आने वाले वाक़े के हवाले से इनसे इनकी राय जानते हैं। जी देखिए, पहले मगरब अहले कुफर एक मुद्दत से इस्लाम की तौहीन करना, कुरान पाक की तौहीन करना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ बिल्लाह तक सुनना, वाकई शाया करना, उनका ये रिवाज रहा। और हमारी तरफ से एक मुद्दत से उनको कुछ बरपूर किस्म का ना तो कुछ जवाब दिया गया है और ना ही उनको कोई हम जवाब दे रहे हैं। अल्लाह ताला बरीक रहमत करे मेरे बाबा जान को, अल्लाह ताला करोड़ों रहमत है बाबा जान की हुकूमत पर। बाबा जान जैसी हुकूमत भरी सदा इनकी जवानों में जो जाती थी, उस तरह की सदा फिर से हमारे कायदे मोहतरम साहब उस हैरिस भी जो लगा रहे हैं। अगर हमने इनसे बदला लेना है तो हमें कायदे मोहतरम साहब उस हैरिस भी की क़यादत में मुतहद होकर पहले कुफर से टकराना होगा, फिर ही जाकर ये लोग कहीं बाज आएंगे। वरना बाबा जान वाली बात कि गोरी को बाहर निकाल कर उसके ऊपर कपड़ा लगा कर साफ करके इनको बताना पड़ेगा कि ये जो एटम बम है हमारे पास, ये भी अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत और कुरान पाक की हुरमत पे पैरा देने के लिए है। जी बिल्कुल, चौधरी ज़ाहिद चौहान साहब अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं।
कैमरामैन अली जिया के साथ हसनैन राजा, सिटी 52 न्यूज़, सियालकोट।